चंबा में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला में पेंशनरों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के साथ ही इन समस्याओं को प्रदेश सरकार के समक्ष रखने का भी निर्णय लिया गया। चंबा में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला चंबा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी ओब्राय ने की। बैठक के दौरान पीसी ओब्राय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हजारों पेंशनरों की मांगों पर उदासीन रवैया अख्तियार किया है, जिसे देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया। ओब्राय ने कहा कि इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि राज्य की कार्यकारिणी प्रदेश मुख्यमंत्री से मिलेगी और उन्हें भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र में उनके द्वारा पेंशनरों से किए गए वायदों को याद दिलाएगी, ताकि पेंशनरों की मांगे पूरी हो सके। स्टेट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये माना था कि हमारी जो मेजर डिमांड है 5, 10 और 15% की, जो हमें भत्ता मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, उसको एडिशनल पेंशन में कन्वर्ट करने की मांग रही। ये पहले 17 दिसंबर 2016 को पुरानी जो सरकार थी उन्होंने भी माना था और अनाउंस भी किया था, मगर आज तक वो वैसे की वैसी हमारी डिमांड चल रही है। इस वर्ष जब हमारा स्टेट का पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का एक वहाँ हमारी बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकर आए और उन्होंने भी ये बात कही कि जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों की पुरानी मांग है 5%, 10% और 15% जो भत्ता मिल रहा है, उसको अतिरिक्त पेंशन में दे दिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।